हेलो स्टूडेंट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल आज हम लोग सेल के संरचना के बारे में देखते हैं सेल इज जनरली कंपोज़ ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट फर्स्ट वन इज सेल वॉल्स एंड सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाइन दिस इज द बेसिक एंड मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स विदाउट दिज सेल लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट ओके स सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के द्वारा सेल्स का मेजर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है इसके बिना सेल्स का लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है अब हम लोग वन बाय वन करके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले स्विस बॉटनिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था कब किया गया था 1855 में स्विस बॉटनिस्ट नेगली एंड सी क्रेमर के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर्ड किया गया था सेल मेम्ब्रेन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं सेल मेम्ब्रेन को हम लोग साइटोप्लाज्मिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं हिस्टोरिकली सेल मेम्ब्रेन रेफर टू एज प्लाज्मा लेमा हिस्टोरिकली सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड का बाई लेयर है एक आप इसका नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका संरचना देखते हैं इस एक्स्ट्रा सेलर सब्सटांस एंड साइटोप्लांट के बीच में सेल मेम्ब्रेन स्थित होता है और ये किससे बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है ओके सेल मेम्ब्रेन एसो कंसिस्ट क्लोरो कोलेस्ट्रोल सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या इंक्लूडेड होता है कोलेस्ट्रॉल भी इंक्लूडेड होता है जो फॉस्फोलिपिड के मध्य में होता है अगेन ये फॉस्फोलि क्या फंक्शन क्या है ये आप लोग को बताया जाएगा एंड कोलेस्ट्रॉल uh, का क्या फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है सेल्स के फ्लूडिटी को वेरियस टेम्परेचर पे मेंटेन करना ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है आप देखिए आप डायग्राम में आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के बीच में स्थित है देखिए सभी लोग डायग्राम ये स्मॉल पॉइंट के जैसा दिखाया गया है वो कोलेस्ट्रॉल है ये किसके बीच में स्थित है फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बीच में इस, इस स्ट्रक्चर में आपको साफ पता चल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सोलर फ्लूड एंड साइटो के मध्य स्थित है आप एक तरफ देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड का बायोलेयर है दूसरी तरफ प्रोटीन चैनल है ओके नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल एंड ऑर्गेन सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है सेल के अंदर और बाहर जो सब सफ, न्यूट्रिश सफ्ट आयन का एक्सचेंज होता है मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करना ये किसका फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन एक क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि रेगुलेट करता है किस चीज़ को सफ्टान्स को इंटर और एग्जिस्ट करने के लिए रेगुलेट करता है इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं द सेल मेमरेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड एबल टू रेगुलेट वाट इंटर एंड एग्जिस्ट द सेल द सेल मेमरेन फैसेलेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर सर्वाइव सेल मेमरेन क्या करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और ये मटेरियल सेल को सर्वाइव के लिए आवश्यक है yes. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन बी आइदर पैसिव एंड एक्टिव सेल मेम्ब्रेन का अदर फंक्शन क्या है सब्सटेंस को मूवमेंट सब्सटेंस के मूवमेंट पर कंट्रोल करना और ये जो मूवमेंट है वो कैसा हो सकता है या तो पैसिव हो सकता है या एक्टिव हो सकता है अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता होती है एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है अब हम लोग देखेंगे कि सेलुलर एनर्जी होता क्या है इसमें एक वर्ड आया है सेलुलर एनर्जी तो सेलुलर सेलुलर एनर्जी क्या होता है ये हम लोग देखते हैं तो सेलुलर एनर्जी क्या है एक द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सेल ऑप्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी बाई काउजिंग ग्लूकोज एंड अदर फूड मॉलिक्यूल टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन सेलर एनर्जी क्या है एक मेटाबोलिज्म का अब मेटाबोलिज्म क्या है मेटाबोलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जो से लिविंग या सेल्स को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होता है सेलर एनर्जी के द्वारा क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये एटीपी ग्लूकोज एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है किसके मदद से ऑक्सीजन के मदद से ओके okay? अब हम लोग देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ आयन एंड अदर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस विदाउट नीड ऑफ एनर्जी एंड दिस ट्रांसपोर्ट नाउ वी नो अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर एटॉमिक और मॉलिकुलर सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विदाउट नीड ऑफ एनर्जी इनपुट पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है विदाउट सेलर एनर्जी मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसमें सोलर एनर्जी की आवश्यकता होती है और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है अब हम लोग एक, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन इन ह्यूमन ह्यूमन में ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करना सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक करना ये किसका एग्ज़ाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मिनरल्स आयंस को रूट हेयर के द्वारा प्लांट सेल्स के द्वारा ऑब्जॉर्व करना प्लांट सेल्स के द्वारा मिनरल्स एंड आयंस को रूट हेयर के द्वारा ऑब्जॉर्व करना ये किसका एग्ज़ाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है अब हम लोग ये देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ़ वाटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके द्वारा होता है मूवमेंट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है मूवमेंट ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है ऑस्मोसिस के द्वारा एंड मॉलिक्यूल्स और आयंस इसका या मिनरल्स का मूवमेंट किसके द्वारा होता है डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा मिनरल्स ग्लूकोज इसका मूवमेंट होता है एंड वाटर का मूवमेंट किसके द्वारा होता है ऑस्मोसिस के द्वारा होता है अब मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर का प्रोसेस है ये किसमें होता है सेल्स के अंदर होता है मूव अब इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे देखते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन बायोलॉजी में ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सनट्रेशन एरिया से लोअर कन्सन्ट्रेशन एरिया की तरफ हो रहा है मतलब क्या है जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वैसा एरिए सेल्स के अंदर वैसा पार्ट जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट लोअर कॉन्सेंट वैसे एरिया के तरफ मूव करना जहाँ पे वाटर का मात्रा कम हो ये किसके द्वारा होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है जहाँ पे जिस सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है जिस पार्ट में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से वाटर का मूवमेंट लोअर पार्ट में हो रहा है जहाँ पे वाटर लो मात्रा में प्रेजेंट है उस पार्ट में वाटर का मूवमेंट हो रहा है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस बता रहे हैं ठीक है अब फिर से पढ़ ले मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन ना वी विल नो अबाउट सेल वाल सेल वाल मेनली कंपोजिट ऑफ सेलुलोज सेल वाल किससे बना होता है सेलुलोज से बना होता है सेल वाल फाउंड इन प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया सेल वाल किस में पाया जाता है प्लांट सेल में फंगी में और बैक्टीरिया में पाया जाता है सेल वाल प्रोवाइड द सेल विथ बोथ स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन सेल वाल सेल्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रदान करता है इन द सेल एल्सो एक्ट एज द फिल्टरिंग मशीन सेल्स के अंदर फिल्टरिंग मशीन के जैसा वर्क करता है ठीक है सेल सेल वाल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था अब प्लांट सेल वाल फर्स्ट ऑब्जर्व एंड नेम्ड सिंपली एज ए वाल बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सेल वाल को वाल के नाम से वाल सॉरी रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल वाल को वाल नाम दिया गया एंड रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में ऑब्जर्व किया गया अब सेल वाल एक कैसा स्ट्रक्चर है सेल वाल इज द स्ट्रक्चर लेयर सराउंडेड सम टाइप ऑफ सेल्स जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड पे सेल वाल प्रेजेंट होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इट कैन बी टफ फ्लेक्सीबल एंड सम टाइम रिजिड सेल वाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है टफ होता है फ्लेक्सीबल होता है और कुछ टाइम्स कभी कभी ये रिजिड कंडीशन में भी पाया जाता है रिजिड मीन हार्ड कंडीशन में भी पाया जाता है नाउ वी विल नो अबाउट न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन एटीन थर्टी वन न्यूक्लियर को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा देखा गया ठीक है <laughs> ये न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस है डबल लेय डबल लेयर स्ट्रक्चर न्यूक्लियर डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या होता है न्यूक्लियर पोर होता है एंड न्यूक्लियर पोर हेल्प्स टू ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोजोम न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है मटेरियल को मटेरियल एंड क्रोमोजोम को ट्रांसफर करना किसके बीच में न्यूक्लियो प्लान एंड सराइटो प्लान के बीच में मटेरियल एंड क्रोमोजोम को ट्रांसफर करने का फंक्शन किसका है न्यूक्लियर पोर का है अब इसमें आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमेटीन क्रोमेटिन क्या है क्रोमेटीन इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन डेट हेल्प टू मेट क्रोमोजोम क्रोमोजोम के बनाने के लिए क्रोमेटीन हेल्प करता है और डीएनए एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ओके एंड इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूक्लियस अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का क्या महत्व है न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट इन सेलुलर रिप्रोडक्शन इन डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल न्यूक्लियस सेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और केमिकल एक्टिविटी को भी डायरेक्ट करता है सेल के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेस को भी डायरेक्शन देता है ठीक है द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल्स न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को सेल का इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा सेपरेट होता है और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करने का एक सेंटर माना जाता है न्यूक्लियस को हम लोग जेन ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं न्यूक्लियस को हम लोग किस नाम से जानते हैं ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है न्यूक्लियोलस हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियस राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है द न्यूक्लियस ऑफ द एवरेज ह्यूमन सेल इज ओनली सिक्स माइक्रोमीटर जो ह्यूमन सेल्स का न्यूक्लियस है वो कितने होता है सिक्स माइक्रोमीटर का होता है और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेलेक्टेड सबसेट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन द डी एन ए डबल हेलिक्स मॉडल डी एन ए डबल हेलिक्स मॉडल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कोडेड करता है इनकोड करता है उस सबसेट को एक्सप्रेस करने का जो काम करता है वो कौन करता है न्यूक्लियस करता है